W1 और W2 आपके दो सबस्पेस हैं V के। यहाँ पर W1 के जो डायमेंशन है वो 3 है और W2 के जो डायमेंशन है वो आपको 4 दे रखी है। साथ ही साथ सम के जो डायमेंशन है यानी कि डायमेंशन ऑफ सम W1 प्लस W2, ये इस इनइक्वालिटी को होल्ड करते हैं यानी कि 4 और 7 के बीच में लाई करेगी। इसका मीनिंग हुआ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 जो हो सकती है, जो पॉसिबिलिटी है, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 5 और 6 है। हमें इंटरसेक्शन के डायमेंशन चाहिए। डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 ये चाहिए, और ये इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन, डायमेंशन ऑफ इंटर सॉरी डायमेंशन ऑफ सम W1 प्लस W2। अभी यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W1 आपको 3 दे रखी है, ये 4 दे रखी है, माइनस एक बार पॉसिबिलिटी 5 रखेंगे और एक बार पॉसिबिलिटी 6 रखते हैं। तो जब पॉसिबिलिटी 5 होगी तो 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 आएगा, और जब पॉसिबिलिटी 6 होगी तो 7 माइनस 6 तब 1 आएगा। यानी कि 1 और 2 इसके इंटरसेक्शन के डायमेंशन पॉसिबल है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।